तो देखो भाई जिनके सब लोग देखो आजू बाजू हर एक पे पेपर, कितने लोग पेपर लेके आए हो? पेपर नहीं बाकी लोगों के पास? पेपर लेके आना सब लोग, है ना? जितने भी पेपर होंगे, जिस भी दिन पेपर होगा सुनो ध्यान से ना, क्योंकि अब तुम्हारा पहला पेपर हो चुका है। पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, उसका सही फायदा किस तरह से होगा आप सुनो ना, आप सही टाइम है। तुम्हारा ये पेपर कब होता है? संडे को होता है। तो तुम्हारे पास संडे मंडे दो दिन का टाइम होता है ना। देखो तुमने दिया अभी तो तुम चलो मेंस नहीं दे रहे हो ना, 3 घंटे का तुमने पेपर दिया, पर वो पेपर वहाँ पे खत्म नहीं होता। उस पेपर के बहुत सारे फायदे ना, यहाँ पे हम जो पेपर दे रहे हैं उसका एक पर्पज तो ये है कि हमें पता चल रहा है कि जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उसमें हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भाई जो अगला है, क्योंकि बहुत सारे तरह की हम गलतियाँ करते हैं और ये हम इतने पेपर इसलिए दे रहे हैं कि जब हम फाइनल पेपर जाके देंगे एग्जाम में वो सारी गलतियाँ सही हो जाए। तो यहाँ पे कई तरह की गलतियाँ करते हैं हम, सिली मिस्टेक। तो हमें क्या करना है, हम देखो गलतियाँ जितनी करनी अभी कर लो, अभी बहुत सारी गलती करो, अगले पेपर में फिर करो, अगले पेपर में फिर करो, जितनी भी गलती कर सकते हो सारी हमें अभी कर लेनी है, कि फिर ये ना हो कि जब हम फाइनल एग्जाम दें, जेईई मेंस का दें, नीट का जाके दें, उस दिन बोले कि भाई हमारी ये सिली मिस्टेक हो गई, मैंने ये बबल ऊपर कर दिया था, मैंने इसका आंसर गलत मार्क कर दिया, या फिर ऑप्शन ये था उसमें रॉन्ग आंसर पूछा था, मैंने राइट आंसर मार्क कर दिया। कई तरह की सिली मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी 50-60 निकल जाएंगी जो तुम करते हो गलतियाँ, समझ में आ रहा है? और अभी अभी मुझे सुबह मिले थे जेईई एडवांस के बच्चे, जो उनका चल रहा था, बताया सर मैंने मेंस में ऐसा कर दिया, मैंने इसका ऊपर मार दिया, वो सेम मिस्टेक्स बार बार सब बोलते रहते हैं। तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडीड में बताता हूँ, मेरे साथ कॉलेज में एक दोस्त था, बोल रहा था 8 क्वेश्चन उसने क्या करा, मेंस के पेपर में 1 क्वेश्चन छोड़ा, बता रहा था वो, है ना, उस समय ट्रिपल ही बोलते थे, और उसके बाद वाले 8 क्वेश्चन कर लिए, और उसने जब मार कर रहा था तो बबल नहीं छोड़ा। तुम सोचो 8 क्वेश्चन उसने ऊपर मार कर दिए, उसके बाद उसे होश आया, और मार्क सीधा पेन से होता है, कोई 8 क्वेश्चन उसके सीधे सीधे नेगेटिव हो गए, करेक्ट करने कोई चांस नहीं था उसके पास। तो 8 क्वेश्चन में दोस्तों कितनी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, 10,000 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, लगभग इतना फर्क पड़ जाता है। इस तरह की गलतियाँ सबसे होती हैं, तुम कोई एक्सेप्शन नहीं हो, तुम भी करोगे इस तरह की गलतियाँ। तो बस बात इतनी है कि हर एक पेपर के बाद, पेपर देने से पेपर खत्म नहीं हुआ तुम्हारा, हर एक पेपर के बाद हमको पेपर का एनालिसिस करना है। कैसे करना है, तुमने जैसे 3 घंटे का पेपर दिया, अभी जेईई मेंस की बात कर लेते, फिर जेईई एडवांस की बात कर लेंगे ना। तो आप या तो तुम उसी दिन, तुमने भाई सुबह पेपर के टाइम क्या दिया बताओ, अभी क्या हुआ था, 4 से 4, चलो शाम को हुआ पेपर, है ना, अगले दिन बैठ जाओ, अगले दिन टाइम निकालो, 3 घंटे का पेपर एनालिसिस करने में तुम्हें 3 घंटे से 6 घंटे से 9 घंटे कितना टाइम लगेगा वो तुम्हारे ऊपर, इतना टाइम लगता है एवरेज समझ लो, 3 से 6 घंटे तक लगते हैं एनालाइज करने में। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर तुम रैंक्स को लेके, सिलेक्शन को लेके सीरियस हो, हर बच्चा जो सिलेक्ट होता है, जो अच्छी रैंक लेके आता है, वो करता ही है, और तुम्हें करना ज़रूरी है। सुनो एनालिसिस क्या करना है, आप सबसे पहले तो देखो आप क्या क्या होता है जब तुमने पेपर करा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे तुमने पेपर करा भाई, 30 क्वेश्चन थे फिजिक्स में, 30 में से तुमसे मान लो 12 क्वेश्चन हुए, अभी तुम्हारे 12 क्वेश्चन सही हो गए, तुमने देखा भाई सर आंसर की मिल जाती उसी दिन, ठीक है, तुमने देखा भाई 12 क्वेश्चन भाई मैंने 20 अटैम्प्ट करे थे, 12 मेरे सही हो गए, 8 गलत हो गए, 10 मैंने अटैम्प्ट नहीं करे थे क्योंकि टाइम नहीं मिला, जो भी रीजन था, ठीक है, जो भी था तुम्हारा नहीं हुआ, अब तुम घर पे जाके पूरा पेपर फिर से करो उस समय, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में, जो क्वेश्चन सही हो गए तो हो गए, बताइए वो तो अच्छी बात है, उनको नहीं देखना। और मैं, अगर तुम्हें कुछ लगता है, तुमने तुक्केबाजी कुछ गड़ी थी, तुम्हें देखने का लगता है तो देख लो, बात अलग है, वरना सही हो गए तो सही हो गए। अब 12 सही हो गए, 18 क्वेश्चन बचे ना, और उनमें से सबसे पहले वो क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, ठीक है, तो अब उनमें से सबसे पहले वो क्वेश्चन देखो जो हमारे गलत हुए, उनको फिर से रीअटेम्प्ट करो। बिलीव मी, उन 8 में से बहुत सारे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करी, कुछ कंसेप्चुअल गलतियाँ भी हो सकती हैं, पर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होंगी, उन सिली मिस्टेक तुम्हारी सही हो जाएंगी। अब और जो 10 क्वेश्चन बचे थे जो तुम अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे, जो उनको तुमने मार्क नहीं किया, तो उनको किसी देखो, उनको भी देखो जाके भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उनमें से भी तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये हर बार होता है, जाके करना आज एनालिसिस। अगर तुम्हारे पेपर में 30 क्वेश्चन दे, तुमने 30 में से 12 करे, तुम घर पे जाओगे तुम्हारे 20-22 क्वेश्चन हो जाएंगे, तुम्हारे सिर्फ 7-8 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो तुमसे नहीं हो रहे। अरे पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती है, पेपर में टाइम कंस्ट्रेंट होता है, पेपर में प्रेशर होता है, समझ रहे हो, पर जब घर पे तुम बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो के जब तुम उसको देख रहे हो, तो अब ये सारी चीज़ें नहीं है तुम्हारे पास। तो अब तुम बात समझ रहे हो, जो 8 क्वेश्चन बचे तुम्हारी एक्चुअली कंसेप्चुअल वाली मिस्टेक्स तो सिर्फ यही है, ये वो 8 क्वेश्चन थे जो तुम्हारे कंसेप्ट्स के कारण नहीं हो पाए, बाकी क्वेश्चन ना होने का तो रीज़न कुछ था और था, या तो तुम्हारी स्पीड इतनी नहीं हुई थी, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं थी जिस कारण तुम्हारी स्पीड नहीं आई, या फिर तुमने प्रेशर में गलती करी, या फिर तुमने सिली मिस्टेक्स करी। तो ये पूरा एनालिसिस रखो कि भाई इस बार इस पेपर में मैंने ये वाली गलतियाँ करी थी, और इस गलती को लिखो, एक होना चाहिए तुम्हारे पास एनालिसिस करने वाला। अभी तो मैं तुम्हारा सब बनवाऊंगा, रुको धीरे धीरे। अब उस एनालिसिस जहाँ पर तुमने करा है, तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई मैंने इस बार ये सिली मिस्टेक करी थी, अब अगले पेपर में एटलीस्ट ये 3 सिली मिस्टेक मैं कर चुका हूँ, इस पेपर में कुछ भी हो जाए मैं 10 नई मिस्टेक कर लूँगा, अगले पेपर में मैं 10 नई गलतियाँ करके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 नहीं होनी चाहिए बस, ये ध्यान रखना, ये करो। हर बार अगर सेम तरह की गलती करते रहे पेपर में, फिर क्या मतलब है,
इस बार भी कर दी, अगली बार भी कर दी, अगली बार भी, फाइनल एग्जाम में भी जाके कर दी, गई 10,000 रैंक ऊपर नीचे हो गई, क्या मतलब रहेगा? एनालिसिस समझ में आ गया, ये हर सब्जेक्ट में करना है तुम्हें। अब तुम्हारे पास वो 8 क्वेश्चन तुम्हें पता है मुझसे नहीं हुए, मैंने पूरी जान लगा दी, घर पे भी पूरा टाइम दिया, 8 क्वेश्चन नहीं हुए, अगले दिन क्लास में वो 8 क्वेश्चन पूछो, कोई करेक्शन लगता है वो पूछो, क्लियर करो, हम करेक्ट करवा देंगे तुम्हें। आई गया बात समझ में? तो पेपर एनालिसिस अगर संडे को हुआ है तो ट्यूसडे को भाई डिस्कशन हो जाएगा, जो अगली क्लास होगी, एक दिन छोड़ के, एक दिन का टाइम मैं देता हूँ, समझ में आ रही है बात? एक दिन का टाइम दूंगा, उसके बाद अगले दिन डिस्कशन होगा, तुम्हें उतने टाइम में खत्म कर लेना। और अगर तुम अगर करके नहीं आए एनालिसिस, तुम अगेन तुम्हारी पूरी क्लास में बर्बाद होगी, तुम्हें पता नहीं होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुम्हारा लॉस होगा। पेपर देना से 50% काम है, उसके बाद एनालिसिस बाकी 50% होता है, वो बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों ने करा था घर पे जाके एनालिसिस? थोड़ा सा, कितनी कितनी देर में करा था, कितनी देर में एनालिसिस करा था, कितना टाइम लगा था एनालिसिस? वो कर लिए सारे हो गए थे फिर से घर पे? दो चार नहीं, मतलब समझ रहे हो, दो चार ही वो कंसेप्चुअल वाले थे तुम्हारे जैसे भी, कितने कितने कर लिए थे तुमने बताओ, 30 में से कितने हो गए थे तुम्हारे फिजिक्स में, सही कितने हुए? 20 सही हो गए थे, ठीक है। तो 5 गलत हुए, 5 नेगेटिव, 5 आने, उनमें से फिर कितने हो गए थे? 6-7 ट्राई करे घर पे जाके। अच्छा, बाकी 5 जो नहीं अटेम्प्ट करे थे वो छूटे थे तुम्हारे, मतलब तुम्हें टाइम नहीं मिला था या फिर पढ़ के तुमने छोड़े थे? ये बहुत गंदी दिक्कत होती है ना, टाइम ना मिलना। सबसे पहले तो हम आज इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, जो पेपर छूटता है वो कैसे नहीं होना चाहिए, और वो अभी ही सही हो जानी चाहिए, वो तुम्हारी रैंक से लेकर सिलेक्शन तक बर्बाद कर देगा एग्जाम में, तो उसको तो हम आज ही सुधार लेंगे ना। अब ये बताओ, तुमने जो 6 क्वेश्चन कर लिए, जो 10 नहीं हुए, तुम्हें से 5-6 क्वेश्चन घर पे हो गए ना, तो वो 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं है ये पता चला? रीज़न क्या था? और कुछ होगा, कुछ गलत जल्दबाजी में उस समय दिमाग नहीं चला होगा, कुछ ना कुछ कही होगा, पर ये एनालिसिस करना है, ये हमें सोचना है उस वक्त कि ये 8 क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं हुए थे मेरे से घर पे आके हो गए, तो ये एग्जाम में क्यों नहीं हुए थे बताओ ना जी। ठीक है, इस बारे में मुझे ये मैं पढ़ ही नहीं पाया था, ये 4 क्वेश्चन तो मेरे पढ़ने से जुड़ गए, फ्री के नंबर गए तो मेरे, बाकी ये जो 4 क्वेश्चन थे इनमें मैंने कुछ गलती कर दी या फिर उस समय दिमाग नहीं, उस समय कंसेप्ट गलत लगा दिया, पर पता होना चाहिए भाई ये हुआ था, ये दिक्कत थी, अब ये आगे नहीं होने देना मुझे। तभी देखो, तभी तुम्हारा वो फायदा है, बनना एग्जाम का नहीं, एग्जाम मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे नंबर आगे तुम्हें मम्मी पापा को बता रहे हैं ये कर रहे हो, तुम्हें डांट खा रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब नहीं है, तुम्हारे खुद के लिए एनालिसिस है, ये तुम्हारा खुद का पढ़ाई खुद कर रहे हो तुम, है ना, खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए रैंक लानी, खुद का करियर बनाना है, ठीक है। चलो उस वाली बात पे आ जाते हैं, ये एनालिसिस वाला क्लियर है क्या? सबको करके आना है, एक दिन छोड़ के हम अगले दिन डिस्कशन करेंगे जितने भी पेपर होंगे। पेपर छूटने वाली बात, कितने लोगों के पेपर छूटा? छूटा मतलब देखो क्या, पहले क्लियर कर देता हूँ। एक होता है कि तुमने पढ़ तो पूरे लिए, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ डाले तुमने, जैसे नीट में 180 क्वेश्चन होते हैं ना, तुमने 180 पढ़ लिए, पर तुमसे नहीं हुए तुमने छोड़ दिया, ये छूटना नहीं है। छूटना मतलब है कि 180 क्वेश्चन थे, तुमसे 160 पढ़ पाए, बाकी 20 तुम्हारे छूट गए, पढ़ भी नहीं पाए, उसको मैं छूटना बोल रहा हूँ। अटेम्प्ट ना करना एक अलग चीज़ है, पढ़ के छोड़ना एक अलग चीज़ है, पढ़ भी ना पाए। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका पेपर छूटा है मुझे बताओ, मतलब क्वेश्चन पढ़े बिना छूटा, हाथ अच्छे से उठा लो मुझे दिख जाए, बाकी सबका पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। तो अब इसके दो रीज़न है, या तो बिल्कुल ही नहीं आता है, पेपर का पूरा अटेम्प्ट हो जाता है, या तो बिल्कुल ही नहीं आता, पढ़ पढ़ के धड़ ये नहीं आता, 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 कोई नहीं आता, ये तब भी पेपर पूरा अटेम्प्ट होता है उसके। और दूसरा क्या होता है, बहुत तगड़ी तैयारी हो गई हमारी, बहुत ही तगड़ी, कि ऐसे क्वेश्चन देख देख के हो रहे हैं, हमें पता है क्वेश्चन करने के लिए मिला है 2 मिनट का टाइम, हमारा 15 सेकंड में 30 सेकंड में तड़ पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए, 2 घंटे में पेपर करके फेंक दिया। और एक्चुअली जब तुम्हारी तैयारी हो जाती है ना, तुम ढंग से तैयारी कर लेते हो, जेई मेंस के पेपर में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते, एडवांस का 2.5 घंटे में, मेंस का 2 घंटे में होता है। इंडिया जब तुम आओगे तुम्हारी तैयारी इस लेवल पर करवाएंगे, एडवांस के पेपर 2.5 घंटे में छुड़ा लेंगे तुम्हारा, ठीक है, मेंस का 2 घंटे में छुड़ा लेंगे एग्जाम से जस्ट पहले, तो इतनी तगड़ी तुम्हारी तैयारी करवा देंगे उस वक्त, ठीक है। पर अभी के लिए करो, तो अभी तो तुम्हें 3 घंटे में भी छूट रहा है, तो एक बात याद करो, मैंने बताया तुम्हें वो 50% वाली मेथड बताई थी, बताई या नहीं बताई अभी तक? नहीं बताई, पक्का नहीं बताई 50% वाली मेथड, ठीक है। चलो मुझे लग रहा है बता दी, पर ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो नहीं बताई, तुम्हें बता, किसी और बैच में बताइए मुझे क्या बताया 50% मेथड।